देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपको बताऊं, मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर रीवा का संजय गांधी अस्पताल देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। इस समय देश दुनिया में फैली कोरोना नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। मैं बाबू भाव से कहूंगा कि वो अपने आपको अस्पताल का वो दृश्य दिखाएं, चारों तरफ यहाँ पर जिस तरीके का नज़ारा है उसको दिखाएं। मैं आपको बताऊं, ये वही अस्पताल है जहाँ पर 50 से ज़्यादा मरीज ही उनको कहा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, 50 से ज़्यादा डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। उसमें से कुछ ठीक हो चुके हैं, कुछ का इलाज जारी है। इस बारे में जब हमारी बात यहाँ के अधिकारियों से हुई, उन्होंने कहा कि इसके एग्जैक्ट आंकड़े आपको यहाँ के CMHO रीवा डॉक्टर RS पांडे ही दे पाएंगे। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर RS पांडे से बातचीत करके जानेंगे कितने डॉक्टर, कितने स्वास्थ्यकर्मी अभी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर संक्रमित हैं। फिलहाल यह अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का 400 से ऊपर का आंकड़ा है, उसमें से 50 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हैं। उसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग के अमले में, डॉक्टरों में भय हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर कोरोना का संक्रमण उतना तेज़ी से ना फैले जितना तेज़ी से फैलने की आशंका थी। स्वास्थ्य विभाग का अमला जिस तरीके से काम कर रहा है, खास तौर से डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, इस अस्पताल की चौथी मंजिल को खास तौर से कोरोना पेशेंट के लिए बनाया गया है। वहां पर गंभीर रोगियों का इलाज हो रहा है, वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। जिले बस के जो भी रेफर केस हैं कोरोना से गंभीर हालत में, उन सब का वहाँ पर इलाज हो रहा है। कुछ मौतें भी हुई हैं, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन 50 के ऊपर डॉक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के अमले का संक्रमित होना अपने आप में, मैं फिर से कहूँगा, काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, घर पर रहिए, अपना और अपने परिवार का भरपूर ख्याल करिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। आइए, आपको कोशिश करता हूँ बातचीत करने की डॉक्टर, यहाँ के CMHO डॉक्टर RS पांडे से, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। आज अभी हमारे यहाँ 6 केस आए हैं, कल एक्चुअली कल शाम तक के केसेस थे, आज के केसेस आज शाम के रिपोर्ट किए जाएंगे। तो हमारे पास कल 6 केसेस आए थे नए, टोटल अभी तक 427 केसेस रीवा ज़िले में पॉजिटिव हुए हैं। इसमें से हमने 26 केसेस को आज डिस्चार्ज कर दिया है। टोटल हमारे घर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 266 है, और अभी वर्तमान में 153 केस हमारी संस्थाओं में जो पॉजिटिव हैं, जिनको हम एक्टिव केस कहते हैं, वो भर्ती हैं। इस तरह का स्थिति है, 153 केस अभी हमारे भर्ती हैं। आज तक जब से कोविड चालू हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के कितने लोग इसमें संक्रमित हुए थे, उनका एक डाटा? स्वास्थ्य विभाग, एक्चुअली हम इसको स्वास्थ्य विभाग जो है, ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन कार्यालय के तहत का हिस्सा कहलाता है। इसमें से हमारे 5 कर्मी स्वास्थ्यकर्मी अभी तक प्रभावित हुए हैं। एक गोविंदगढ़ की स्टाफ नर्स थी, एक हमारे त्योंथर से दो, एक लैब टेक्नीशियन थे, एक जबा से लैब टेक्नीशियन थे, और दो स्टाफ नर्स हमारी हनुमना की थी। ये तो स्वास्थ्य विभाग के संजय गांधी के लगभग हमारे पास 52 ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, और उसमें से काफ़ी कुछ स्वस्थ भी हो चुके हैं, और अभी कुछ लोग आइसोलेशन में हैं, कुछ अस्पताल में भी एडमिटेड है, लेकिन सब सिंपल है, किसी तरह की घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।